विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस बाल्य अवस्था और वृद्धि विकास के अंतर्गत इकाई हमारे दूसरी है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था के अंदर हमने काफी कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि एरिक्सन का व्यक्तित्व विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसमें हमने देखा था कि एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत कब, कहां और किस आधार पर किया था। उसने ये कहा था हम कि हर व्यक्ति के अंदर ईगो होता है, हमने ये भी पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि एरिक्सन ने बालक के व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया था। कितने अवस्थाओं का वर्णन किया था एरिक्सन ने? किसने? एरिक्सन ने बाल एरिक्सन ने बाल के व्यक्तित्व बालक के सॉरी बालक के व्यक्तित्व विकास विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया था। 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है, मतलब एरिक्सन ने बालक के व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसके में से हमने करीब करीब 4 अवस्थाओं के बारे में वीडियो व्याख्यान या ऑफलाइन शिक्षण के माध्यम से मैंने आपको लिखा दिया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें लिखेंगे कि एरिक्सन ने बालक के व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत कौन कौन सी अवस्थाओं को जोड़ा गया है और उन अवस्थाओं में बालक क्या करता है। तो हमने 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया था। तब प्रथम अवस्था जो थी वो शैशवावस्था थी, जो 0 से 4 वर्ष थी, जिसमें बालक विश्वास और अविश्वास की के बारे में जानता है। सेकंड नंबर हमने पढ़ा था वो था द्वितीय अवस्था बाल्य अवस्था, जो 1 से 4 वर्ष की थी, जिसमें वो बालक स्वतंत्र भी था और श्रम भी था। तीसरी अवस्था हमने ये भी पढ़ी थी खेल अवस्था, जिसमें बालक पहल करता है, खेलने के लिए मैं चाहता हूँ, और उस बालक अपराध भी करता है। वो अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष की होती थी, हमने इतना पढ़ा था। और फोर्थ हमने पढ़ा था विद्यालय अवस्था, जब बालक 5 वर्ष का पूर्ण हो जाता है और जैसे वो 6ठे माह में बैठना प्रारंभ हो जाता है, उस बालक का विद्यालय में प्रवेश करता है। परिश्रम और हीनता, ये तो हमने 4 अवस्था पढ़ ली थी। अगली अवस्था हम पढ़ रहे हैं वो है किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था है? 5वीं जो अवस्था है हमारी वो है किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था है, जो हमारे 12 से 20 वर्ष। कब तक किशोर अवस्था? कब तक है? 12 से 20 वर्ष तक है। और ये कौन सी होती है? मैं लिखता हूं इसे आगे लिखना, अभिज्ञान या उसे बोलते हैं दुविधा। क्या बोलते हैं? दुविधा। मतलब हम इसके आगे लिखेंगे, मतलब किशोर जो अवस्था होती है वो 12 से 20 होती है, जिसके अंदर बालक एरिक्सन के अनुसार, एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार बताया गया है, मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि इस अवस्था में बालक अपने से अधिक प्रेम करता है। मालूम पड़ा, जब बालक 12 वर्ष में आता है तो 12 वर्ष के अंदर आते ही बालक के अंदर हार्मोन्स का विकास होता है। बालक मतलब लड़का लड़कों के साथ खेलना पसंद करता है, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना, मतलब ये दोनों ही ग्रुप अपने अपने दल में खेलना पसंद करते हैं और वो अपने आप को अधिक प्रेम करते हैं। मतलब सजना सवारना, मतलब किसी व्यक्ति या किसी बालिका को अपनी ओर आकर्षित करने या किसी लड़की को आकर्षित करने के लिए अपने अंतर्गत अनेक प्रकार के वेशभूषाओं का वेशभूषा धारण करती, जिससे बालिकाएं
हमें देखे। और बालिके भी यही ऐसी करते हैं कि हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो हमें ही देखे। ये अवस्था बहुत खतरनाक की होती है और वह अपने और आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार का प्रयास करता है, सजना सवारना, नए कपड़े पहनना, नए हेयर स्टाइल करवाना, ठीक है, मेकअप करवाना, यहाँ तक बहुत सारे ऐसे मतलब बालक बालिका एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे प्रयोग करते हैं। और इसके अंतर्गत उसे उचित मार्ग और दर्शन वातावरण मिल जाता है। मतलब इस जो अवस्था है, किशोर अवस्था होता है, बालक बालिकाओं को आकर्षित करने के लिए नए नए प्रकार के कपड़े पहनना और ऐसे वातावरण का माहौल क्रिएट करना जिससे बालक और बालिका एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो सके और वह अपने उचित वातावरण का हिस्से ले सकते हैं। मतलब 18 वर्ष जो होती है वह हमारे जीवन की एक परिपक्व अवस्था होती है जिसमें बालक सही प्रकार के हार्मोन्स का विकास हो जाता है और वह अपने ज्ञान का विकास करके सदाचार आने वाले गुणों को अपना लेता है। मतलब अब मुझे इस प्रकार का वातावरण अब क्रिएट नहीं करना चाहिए, मैं अब समझदार हो चुका हूँ, मुझे मेरे परिवार को लेकर चलना पड़ता है, अब मैं अपने अनुसार ही अपने विषय का चयन करना है या आने वाले विषय के बारे में आने वाले लक्ष्य की प्राप्ति करना है। हम ऐसी अवस्थाओं से हम सीखते हैं। फिर आती है हमारी छठी अवस्था होती है वैक्स अवस्था। कौन सा होता है वैक्स अवस्था? ये होती है 20 से 30 वर्ष। कब से होती है? 20 से 30 वर्ष। वैक्स अवस्था मतलब घनिष्ठता और अकेलापन। क्या आता है? घनिष्ठता और अकेलापन। जो हमारी छठी जो अवस्था पड़ रहे हैं वह है 20 से 30 वर्ष है जिसमें वैक्स अवस्था होती है जिसमें बालक घनिष्ठता और अकेलापन। मतलब एरिसन ने यह अवस्था के अंदर बताया गया है कि व्यक्ति अपने शिक्षा पूरी करके व्यवहारिक जीवन जीने व्यतीत करना सीख जाता है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन जीने के लिए बालक को शादी करना बहुत जरूरी है और वह अपने दाम्पत्य जीवन को सही प्रकार से जीने का तरीका सीखता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन तो व्यतीत करता ही है, इसके साथ वह किसी कार्य या व्यवसाय को वह पसंद करता है जिसके आधार पर वह अपने व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है वो करता है और उसे अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय या कार्य नहीं मिलता है तो वो बालक अपने आप से अकेलापन होने की बात को सोचता है। जब उस व्यक्ति को कौन से वर्ष तो वैस अवस्था वाले व्यक्ति को जो 20 से 30 वर्ष वाला जो बालक है या जो व्यक्ति है उसको अपने इच्छा के अनुसार जो कार्य अगर नहीं मिलता है तो वो अपने आप को अकेला महसूस करता है कि मैंने जो कार्य के बारे में सोचा था वो मुझे नहीं मिल पा रहा है तो अब मुझे उसे करना कैसा होगा, तो वो सब सोचता है और उसके बारे में वो मतलब अवस्था ऐसी होती है घनिष्ठता। मतलब अगर काम मिल गया तो उसके प्रति काम के प्रति घनिष्ठता होगी, अगर वो काम नहीं मिला तो उस कार्य के प्रति उसको घनिष्ठता नहीं होगी। अगली अवस्था है सातवीं अवस्था। हम पढ़ रहे हैं सातवीं अवस्था है वो हमारी है उत्तर वैक्स अवस्था। अवस्था होती है उत्तर वैक्स अवस्था। यह अवस्था होती है 30 से 60। कितने होती है? 30 से 60 वर्ष। और 30 से 60 वर्ष में होते हैं उत्पादकता। क्या होती है?
उत्पादकता और ठहराव, क्या होती है ठहराव, जो हमारी सातवीं अवस्था है वह है उत्तर वयस्क अवस्था, जो 30 से 60 वर्ष की होती है, उत्पादकता और ठहराव। कहने का मतलब है कि एरिक्सन ने इस अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति माता पिता बन जाता है, माता पिता बन जाता है तथा अपने अपने आदर्शों को वह नई पीढ़ी को देता है, आने वाली जो पीढ़ी है उसको समझाता है कि आपको इस हमारे परिवार के जो संस्कार है उन्हीं के अनुसार या हमें जो वर्तमान समय में जो घटना घटित हो रही है उसके परिप्रेक्ष्य में चलना चाहिए और उनका मार्गदर्शन करता है। यदि बालक उसके बताए हुए मूल्य और आदर्शों को ग्रहण करते हैं तो उसे और अधिक प्रशंसा होती है और वो नवाचार करते हैं। मतलब एक पिता होने का जो एक दादा होता है, एक पिता और दादा होता है, या पिता होना समझो एक तरह से, क्योंकि एज 50 की होती है तो वो मतलब बूढ़े की श्रेणी के अंदर आ जाता है। जब उसके अनुसार बात कहने के अनुसार बालक अगर सीखता है और उस बात को खंडन करता है तो उस व्यक्ति को इतनी प्रशंसा होती है कि ये इस बालक ने, मेरे पोते ने या मेरे बच्चे ने मेरे अनुसार कार्य करने का सोचा है। अगर कोई व्यक्ति इसके विपरीत चला जाता है तो उस व्यक्ति को थोड़ी सी खिंचती होती है। वर्तमान समय देख लो आप कैसा ही है, अगर आज पिता ने कुछ कह दिया कि आपको बेटे बेटे पढ़ना है कि जाना नहीं है तो उल्टा उसको ये जवाब मिलता है आप बेटी हम बाहर जाते हैं। मतलब आज पिता होने का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि वर्तमान पीढ़ी इतनी इंटेलिजेंट हो चुकी है या इतना कार्यशाला हो चुकी है कि हमें वो जॉब देती है कि आप अपना काम कीजिए, तो उस बात को हमारे थोड़ा दिल में ठेस पहुंचती है कि एक पिता ने आपके लिए क्या सोचा था, क्या समझा था, और वो बालक जब बड़ा होकर पिता को सामने जॉब देता है तो उसके मन में थोड़ी ठेस पहुंचती है कि इनके लिए हमने क्या किया था। फिर हमने आठवीं अवस्था जाती है, लास्ट अवस्था इसकी है, आठवीं अवस्था है वो है परिपक्वता अवस्था। क्या अवस्था? परिपक्वता अवस्था, परिपक्व अवस्था। और यह अवस्था 60 से अधिक होती है, 60 से अधिक। आठवीं अवस्था है कौन सी है? परिपक्व अवस्था। कभी कभी प्रश्न आता है कि एरिक्सन के मतानुसार मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार बालक की आठ अवस्थाओं में से आठवीं अवस्था का नाम क्या है, तो वो अवस्था नाम है परिपक्व अवस्था, जो 60 से अधिक होती है। इसमें क्या होते हैं? ईमानदारी और आसक्त, क्या होती है इसमें? ईमानदारी क्या होती है? तो ईमानदारी होती है और एक होता है आशाहीनता, क्या होती है? मतलब ये दो चीज बताई है कि एरिक्सन के अंदर आठवीं अवस्था जो बताई है वो परिपक्व अवस्था बताई है, वो 60 से अधिक बताई है, ईमानदारी और आशाहीनता बताई है। ठीक, कहने का मतलब है कि इस अवस्था में व्यक्ति को संपूर्ण जीवन की अच्छी और बुरे बातें याद आती हैं और उसके द्वारा किए गए कार्यों का भी वह मूल्यांकन करता है कि मैंने अपने जीवन के अंतर्गत बहुत समय खपाया है या बहुत समय मेहनत की है, उस मेहनत का फल मुझे अब नहीं मिल पा रहा है। जब एक अध्यापक यानी एक माता पिताओं के द्वारा जो हम मेहनत करते हैं तो कहते हैं कि हम स्टडी में जो हमारी अवस्था होती है वो उत्तर या वयस्क अवस्था होती है, उस अवस्था में हमें कुछ मालूम नहीं होती। जब हमारा बुढ़ापा जब पास आता है तब कहते हैं कि मैंने जीवन में बहुत अच्छे कार्य कम किए हैं और हमेशा बुरे कार्य ही किए हैं। लास्ट में हम अपना जीवन का, हमने जीवन में क्या सीखा क्या नहीं सीखा, हम उसका मूल्यांकन करते हैं। मैंने भी बहुत जीवन में अच्छे अच्छे कार्य किए होंगे या मेरे बुरे कार्य किए उसका मुझे अंत यह मिल रहा है, और उसके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करता है और इस कार्य में वह ईमानदारी से उसका मूल्यांकन करने और अपने प्रति गर्व और हीनता की भावना का विकास करता है
उस अगर बालक ने उस व्यक्ति ने अच्छी कार्य किए होंगे तो वो फक्र से कह सकता है कि मैंने अपने जीवन के अंदर हमेशा अच्छे कार्य किए, बुरे कभी कार्य करिए नहीं किए। तो उसके प्रति ईमानदारी और आशाहीनता की भावना, आशा के प्रति गर्व की भावना के प्रति उसका विकास होता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। मतलब हमने जो आज हमारे 8 अवस्था पढ़ी थी, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं, एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं के बारे में इस प्रकार वर्णन किया है। हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत एरिक्सन के सिद्धांत के जो गुण है उनके बारे में हम सविस्तार वर्णन अध्ययन करूंगा। आज के लिए इतना ही, और आप सभी से विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जो ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है इससे संबंधित जो नोट्स है जो ऑनलाइन हम बना रहे हैं उसको आप अपनी नोटबुक के में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि इसी के अनुसार हमारा आपका आंतरिक मूल्यांकन होने की संभावना होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।